हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट करवा चौथ। मुझे लगा अपना ब्राइडल मेकअप जो है ना वो रिक्रिएट करके देखते हैं। सो मैंने कोशिश करी है, सो लेट्स सी हाउ इट टर्नड आउट। सो आज है मेरा फर्स्ट करवा चौथ। ये था मॉर्निंग टाइम। सबसे पहले मैं स्किन केयर के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। बिना अच्छे स्किन केयर के ना अच्छा मेकअप नहीं हो सकता। सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मैं डर्माको का 10% विटामिन सी सीरम। ये मेरा फेवरेट सीरम है, मैं बहुत बार इसको मेंशन कर चुकी हूँ। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा सीरम है। इट हैज़ 10% विटामिन सी जो स्किन को ब्राइटन अप करता है। जो भी पिगमेंटेशन होती है, अनइवननेस होती है ना स्किन पर, उसको इवन करता है। जो भी मेरे एक्ने मार्क्स होंगे उससे भी डील करेगा। प्लस इसके अंदर नायसिनमाइड भी है जो अगेन मेरे एक्ने मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है, उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। ओवरऑल ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा सीरम है और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है, तो अगर आपकी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है तभी भी सूट करेगा। नाउ आई एम फॉलोइंग इट अप विद सनस्क्रीन बिकॉज ऑब्वियसली सुबह सुबह कर रही हूँ, धूप में भी जाना होगा, सो सनस्क्रीन जरूरी है। विटामिन सी और सनस्क्रीन का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बाय द वे, दिस इज द डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। इसके अंदर SPF 50 है विद PA 4x+। काफ़ी लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, मतलब बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है ये स्किन में। आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा लगाई है। मैंने नॉर्मली जितनी लगाते हैं ना, मैंने उससे ज़्यादा ही सनस्क्रीन लगा ली थी भावनाओं में बह के, बट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। आप देख सकते हो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं आई, ऐसा ही लग रहा कहीं पील्स बन रहे हैं, वाइट वाइट लग रहा है मेरा फेस। और ये काफ़ी नरिशिंग भी है। अब जो वेदर आ रहा है ना विंटर्स का, उसके लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, एकदम डूई बना देती है ये स्किन को। ये तो हो गया मेरा क्विक सा स्किन केयर, अच्छे से स्किन नरिश भी हो गई, डूई बन गई। अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो आप डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। और जब भी आप डर्माको से लोगे ना, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव एम्पावर 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस दिस ईयर विद ए यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो आप एक अच्छे NGO का भी पार्ट बन रहे हो बेसिकली। सो डू चेक आउट द लिंक्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं मेकअप के साथ। अब देखो ये जो सनस्क्रीन थी ना वो बहुत नरिशिंग थी, तो मुझे मॉइस्चराइजर्स की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली प्राइमर लगा रही हूँ। आई एम यूजिंग माई फेवरेट नायका का प्राइमर। दिस इज द प्रेपमिया प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड है। जितने मेरे एक्ने मार्क्स और गड्ढे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं फिल कर देता है, पोर्स को फिल इन कर देता है। सो काफ़ी एक अच्छा नेचुरल इफेक्ट आता है। अब मैं कर रही हूँ कलर करेक्ट। आजकल का मेरा कलर करेक्टर जो फेवरेट चल रहा है वो है ये नायका मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरमल। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कलर। मतलब ये एग्जैक्टली वही ऑरेंज टोन कलर है जिससे ब्यूटीफुली मेरी स्किन कलर करेक्ट हो जाती है। काफ़ी बार हम ना रेड रेड ऑरेंज डार्क वाले कलर्स ले लेते हैं कलर करेक्ट करने के लिए और फिर पूरी स्किन ऐसे रेड रेड हो जाती है। मैंने अपनी शादी पर कृति DS से मेकअप कराया था। बाय द वे मैंने उनसे ही मेन मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया था और मैंने सबसे पहली चीज़ उनको यही बोली थी, प्लीज़ केकी मेकअप मत करना, बिकॉज मेरे दो फेरे होने थे, हिंदू फेरे सिख फेरे, शादी काफ़ी लंबी चलनी थी, तो मुझे ना वो एक वाइट वाला हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। आई सेड नेचुरल रखना ताकि वो क्रैक ना हो। तो आज भी मैं वैसा ही बेस रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो नेचुरल है। जो मेबलिन का वो कंसीलर था ना, उससे बहुत अच्छे से कलर करेक्शन हो गई। अब मैं फिटमी का ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ बाय मेबलिन इन द शेड 220। अगेन काफी लाइट है, बहुत अच्छे से कवरेज देता है और कलर करेक्शन करने से यही फायदा होता है, आपको ज्यादा भरना नहीं पड़ता फाउंडेशन। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को, जो भी फीचर्स हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। ये अगेन एज रिवाइंड कंसीलर है इन द शेड सैंड, काफ़ी अच्छा शेड है, थोड़ा सा लाइट कलर का है ना, तो एक अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है। यहाँ मैं कर रही हूँ रिवर्स कॉन्टोरिंग। मैं कॉन्टोरिंग ज़्यादा नहीं करती लेकिन मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग करती हूँ, नीचे की तरफ लाइटर शेड लगा दो तो एक कॉन्टोर्ड लुक आती है। बाय द वे ये जो मेकअप ब्रश है ना, ये मार्स का है। मैं अपना सारा मेकअप पाउच में डाल के लाई थी। हमारे यहाँ जो पहला करवा चौथ होता है वो मायके में बनता है, तो मैं अपने घर गई थी, मैं सारा पाउच में डाल के मेकअप लेके गई थी। सो ये एक ब्रश मैंने रख लिया, इसमें चार ब्रश आते हैं एंड आई एम सॉर्टेड। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश और हाईलाइटर, लिक्विड लगा रही हूँ ताकि लॉन्ग लास्टिंग भी और एक नेचुरल फिनिश आए। मेरी शादी वाले दिन भी मैंने क्लियर बोला था, मुझे वो लाल वाले चीज भरे हुए मत देना, अच्छी एक नेचुरल लुक देना। सो इससे वो एग्जैक्टली लुक आने वाली है। ये मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लशर और हाइलाइटर है, इनका शेड और लिंक मैं नीचे एग्जैक्टली दे दूंगी नायका से। बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद कितने नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल भी लाल लाल वैसे नकली वाले गाल नहीं लग रहे, बहुत नेचुरल लगता है। और ये जो हाइलाइटर भी है ना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये मैजिक हो गया अंदर से निकले मेरे आई शेडो वाले ब्रशेस, दोनों ही ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं। ये ब्रश सेट बहुत अच्छा, आप ले सकते हो मेरे हाइप स्टोर से। अब मेरी शादी वाले दिन जो आईज हुई थी ना, वो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी हुई थी, वार्म ब्राउन शेड लिया था कृति DS ने, क्रीज पर सेंटर पे हल्का सा ग्लिटर लगाया था, दैट्स इट। मैंने वो नीचे काजल नहीं भरवाया था, ज्यादा डार्क डार्क आईज नहीं कराई थी। सो यहां पर मैं वही करने वाली हूँ, एक वार्म ब्राउन या फिर रेडिश टोन के मैंने आई शेडो पिक करी है, ये भी मेबलिन का ही है। दिस इज द मेबलिन सिटी मिनी पैलेट। मैंने अभी मेबलिन के साथ कोलैबोरेट करके एक रील बनाई थी करवा चौथ की, सो उसमें मैंने ऑलमोस्ट ए वाले प्रोडक्ट्स यूज करे थे और अब ये नॉन स्पॉन्सर्ड मेकअप लुक है, मैं इसमें भी यही यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे। सो हैलो आईज में क्या होता है, आप जो कलर होते हैं अंदर की साइड प्लेस करते हो, बाहर की साइड
टाइप प्लेस करते हो, सेंटर पे वो कलर नहीं लगाते और सेंटर पे आप लगाते हो शिमर। सो मैं फिंगर से ही शिमर पिकअप कर रही हूँ। कृति डीएस ने थोड़ा और बाहर तक आई शेडो को अप्लाई किया था, मैं ज़्यादा नहीं कर रही बिकॉज वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वो तो उस दिन लैशेज थी ना तो आईज़ वो कवर अप हो जाती हैं। अब यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई, हल्की नहीं वैसे काफ़ी ब्लंडर हो गया। मैंने करवा चौथ की शॉर्ट्स भी डाली थी, उसमें भी काफ़ी कॉमेंट्स आए थे, इतनी डार्क आईब्रोज़। देखो मैं रीज़न बताती हूँ, मैंने अपनी आईब्रोज़ बनवाना भूल गई थी बिकॉज एक दिन पहले बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत चीज़ें थी। सो आईब्रोज़ मैंने ज़्यादा बनवाई नहीं, मेरी आगे की आईब्रोज़ की ग्रोथ इतनी आई हुई थी। और जिस दिन मेरा व्रत था, ये करवा चौथ वाला दिन ही है, मैं व्रत वाले दिन कैंची नहीं यूज़ करती या फिर ऐसे रिमूव नहीं करती अपने बाल बेसिकली, बिकॉज फास्टिंग होती है मैं अवॉइड करती हूँ। सो मैंने उसी को फिल इन कर दिया और जब मैं डार्क कलर का आईब्रो फिलर मैंने यूज़ कर लिया ना, उससे देख सकते हो आप मेरी आईब्रोज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो गई। आई नो ये मिस्टेक हुई है मेरे से, बट चलो उसको इग्नोर करो। एक तो उस दिन मेरा फास्ट भी था ना, पहला करवा चौथ का फास्ट था, तो मैंने ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया, लाइक फटाफट करते हैं, मुझे कथा पढ़ने के लिए भी जाना था, लेट हो रही थी मैं। सो फाइनली मैंने मेकअप लुक अचीव कर ली। अब आज के दिन मैंने लैशेस नहीं लगाए, शादी पे तो ऑब्वियसली कृति डीएस ने लैशेस लगाए थे, लेकिन व्रत था तो मेरा लैशेस लगाने का मन नहीं था, तो मैंने आईलाइनर लगा लिया। ये मैंने मेबिन का कोलोसल लाइनर लगा के एक शार्प विंग बनाया जो मुझे अच्छा लगता है, आईज़ डिफाइन हो जाती है। अगर आप लैशेज नहीं लगाते तो लाइनर लगा लिया करो, उससे आईज़ अच्छे से डिफाइन हो जाती हैं। स्काई हाई का मस्कारा यूज़ कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट सेटिंग पाउडर आजकल का, बहुत सस्ता अफोर्डेबल और इतना अच्छा लूज़ पाउडर है ना, ये स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर है। मैं सेम मार्स का वो ब्रश यूज़ करके अब मैं वहीं सेट कर रही हूँ जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, बिकॉज ये सुबह मैंने मेकअप किया था, मुझे रात तक के लिए मेकअप सेट चाहिए था, तो जहाँ पर भी स्वेटिंग होती है मैं इसको वहाँ पर लगा रही हूँ। मैं इसको चीक्स पर नहीं लगा रही बिकॉज चीक्स पर जो हाइलाइटर है ना वो सटल हो जाता है, लूज़ पाउडर लगाते हैं आपका हाइलाइटर एकदम मैट हो जाता है, मुझे वो नहीं करना था, तो मैं खाली वहीं पर ही लूज़ पाउडर लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे एक मैट इफेक्ट चाहिए। आई लव दिस वन, बहुत अच्छा लगता है ना। मेरी शादी पर भी मैंने स्पेसिफिकली कृति डीएस को बोला था प्लीज़ आंखों के नीचे काजल मत भरना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बहुत डार्क डार्क और छोटी आइज़ लगती हैं। सो उन्होंने भी मुझे नीचे न्यूड काजल लगाया था, सो मैं भी आज ये न्यूड काजल लगा रही हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन का है ये लाइट कलर, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। लिपस्टिक्स के लिए मैंने कुछ ऑप्शंस कैरी किए थे, सबसे पहले लैक्मे की लिपस्टिक, अब जैसे ही मैंने लगाई आई वाज लाइक ये तो प्रॉपर वाली रेड लिपस्टिक हो गई, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी शायद, और रेड लहंगा के साथ रेड लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती। सो मैंने ये वाली लिपस्टिक भी कैरी करी थी, नायका की थी, मद्रास कापी, बहुत ब्यूटीफुल न्यूड शेड है ये, एकदम परफेक्ट एवरीडे वाला न्यूड शेड है। अब रेड के ऊपर जब ये न्यूड लगाया ना, बहुत प्यारा सा कलर निकल के आया। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने अपनी शादी पर उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी ना, वो सॉर्ट ऑफ थोड़ी ऐसे ही टोन की थी, सो एक एग्जैक्ट वैसा ही टोन बन गया। सो कहीं ना कहीं वो भी एक क्लोज लिप शेड हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं लगा रही हूँ सिंदूर, मैं ये मार्स का लिप लाइनर यूज करती हूँ सिंदूर लगाने के लिए, काफी अच्छा है, सस्ता भी है और अच्छे से एकदम परफेक्ट रेड कलर आता है। उस दिन भी मुझे कृति डीएस ने रेड बिंदी लगाई थी छोटी सी, तो आज मैं रेड बिंदी लगा रही हूँ। एंड दिस इज द फाइनल लुक। अगर आईब्रोज को इग्नोर कर दो ना, मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, बेस मेरा बहुत फ्लॉलेस था, मतलब रात तक मेरा बेस क्रैक नहीं हुआ, 12-1 बजे तक मेरा सेट फेस था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने अपना फर्स्ट करवा चौथ व्रत रखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट फाइनली हो गया। आई वोर माई ब्राइडल लहंगा ओनली बिकॉज फॉर फर्स्ट करवा चौथ था, सो मुझे लगा अपना शादी का लहंगा ही पहन लेते हैं। एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने बाय द वे यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी डाली है मेरे करवा चौथ डे की, वो आप जाकर देख सकते हो, और जितने भी लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कर लेना, सबके शेड नेम लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे वॉइस ओवर वाले चिट चैटी मेकअप ट्यूटोरियल पसंद है या फिर नहीं पसंद, मैं उसके हिसाब से और बनाऊंगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।